Hello everyone. Now we are doing area related to circles, chapter 12. वो एक अच्छा चैप्टर है, सर्कल से रिलेटेड है, सर्कल के एरिया से रिलेटेड है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस चैप्टर में आपको परफेक्शन हो, तो इसके लिए जरूरी है कि सर्कल से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स हैं, जितनी भी बेसिक इंफॉर्मेशन है, वो आपके पास होनी चाहिए। जैसे पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ सर्कल, तो आपको पता होना चाहिए कि जो सर्कल है उसका पेरीमीटर यानी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो सर्कमफ्रेंस है वो होती है 2 पाई आर। ओके, आपको डायमीटर पता होना चाहिए, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो डायमीटर है वो 2 × r यानी कि 2 × रेडियस होती है, यानी रेडियस का 2 होता है। ओके ठीक है। इसके बाद और जो बेसिक इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। आगे एक एग्जाम्पल दे रखा है, यानी कि जो कमिंग एक्सरसाइज है उसमें अगर आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन है कि भाई एरिया कैसे निकालते हैं और सर्कमफ्रेंस कैसे निकालते हैं, इट विल बी मोर देन सफिशियंट फॉर यू। ओके, तो यहाँ मैंने सर्कमफ्रेंस तो आपको बता दिया था, एरिया नहीं बताया। एरिया हो सकता है मिस हो गया, हम देख नहीं पाए उसे, तो मैं बता देता हूँ आपको एरिया। तो जो एरिया ऑफ सर्कल है, ओके, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, तो ये आपको आना चाहिए। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं सीधे सीधे। तो आसान क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको फोकस करना है, और इसके साथ साथ कैलकुलेशन। जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें बोला जा रहा है द रेडियस ऑफ 2 सर्कल्स, रेडियस यानी प्लूरल ऑफ रेडियस। द रेडियस ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल व्हिच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द 2 सर्कल्स। ठीक है, क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा आपको कि क्वेश्चन क्या है और हमसे क्या बोला जा रहा है करने के लिए। हमें ये बोला जा रहा है कि एक छोटा सर्कल है 9 सेंटीमीटर की रेडियस का, एक बड़ा सर्कल है 19 सेंटीमीटर रेडियस का। ओके, और एक इससे भी बड़ा सर्कल हमें बनाना है, क्योंकि जिसका रेडियस इन दोनों, जिनका सर्कमफेरेंस इन दोनों सर्कल के सर्कमफ्रेंस के सम के बराबर हो। तो जो बड़ा सर्कल है इसका रेडियस हमें बताना। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है वो रेडियस जो होगा वो 19 और 9 से भी बड़ा होगा, ये तो बेसिक है, आईक्यू वाली बात है। तो इसे करेंगे कैसे? तो करने के लिए सबसे पहले हमें सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला आना चाहिए। तो देखो करते हैं, तो सबसे पहले लेट करते हैं कि लेट आर वन बी 19, आर वन बी 19 सेंटीमीटर, आर टू
9 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड कैपिटल आर बी द रेडियस, रेडियस ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल, रिक्वायर्ड सर्कल, ओके। तो ये क्या किया हमने, लेट कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि सर्कमफ्रेंस सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल सर्कल इज इक्वल टू सम ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द गिवन सर्कल्स, ठीक है, समझ आए यहाँ तक। अभी तक हमने एक तो लेट किया है, जो दो रेडियस हमें गिवन थी आर वन आर टू, और जो बड़े सर्कल की रेडियस हमसे पूछी गई है उसकी कैपिटल आर से हमने लेट कर ली। और उसके बाद जो क्वेश्चन में हमें कंडीशन दी गई है, वो कंडीशन हमने ली थी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इज सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ द गिवन सर्कल, और इसके बाद सीधे सीधे हम फॉर्मूला, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल हो जाएगा 2 पाई आर, और सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द गिवन सर्कल हो जाएगा 2 पाई, ठीक है, आर की जगह आ जाएगा 19 प्लस 2 पाई, और आर की जगह आ जाएगा, आर यानी आर टू की जगह, दिस इज द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द गिवन सर्कल, ठीक है। तो अगर हम 2 पाई कॉमन ले लें तो अंदर रह जाएगा 19 प्लस 9, ये 2 पाई से ये 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, आर की डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी 19 प्लस 9 28, तो 28 सेंटीमीटर एडवांस, है ना, आसान था। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, आप बड़ी आसानी से इसे कर सकते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 भी वैसे ही क्वेश्चन है, बस ये है कि पिछली बार हमने जो तो फॉर्मूला यूज किया था वो सर्कमफ्रेंस के लिए था, और इस बार जो हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा वो एरिया के लिए करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन बढ़िया आपको समझ में आ जाएगा। लिखा है द रेडियस ऑफ 2 सर्कल्स 8 एंड 6 सेंटीमीटर, पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे ही हमें दे रखी थी 2 सर्कल की रेडियस। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द 2 सर्कल्स, ठीक है। तो यहाँ भी हमें पहले लेट करना पड़ेगा, तो लेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले लेट करते हैं, लेट लेट आर वन, ठीक है, स्मॉल आर, लेट आर वन एंड आर टू एंड कैपिटल आर, ठीक है, बी द रेडियाई ऑफ डी फर्स्ट गिवन सर्कल एंड फर्स्ट गिवन सर्कल, तो कॉमा लगा देते हैं, सेकेंड
सर्कल ठीक है, और इसके बाद एंड लगा के थर्ड या हाँ थर्ड थर्ड रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड सर ठीक है ना। ये सर्कल हमें गिवन नहीं है बल्कि ये हमसे पूछा जा रहा है, तो इसलिए ये रिक्वायर्ड होगा। बात समझ आई यहाँ तक? ओके, ये स्टेटमेंट हो गई हमारी। और स्टेटमेंट के बाद हमें क्या लिखना है? हमें लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ए डॉट टी डॉट क्यू लिखेंगे, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमें लिखना है। उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इज इक्वल टू सम ऑफ द एरियाज ऑफ गिवन सर्कल्स ठीक है। हम क्या लिखेंगे? एरियाज एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल इज इक्वल टू एरियाज एरियाज ऑफ सम ऑफ द एरियाज सॉरी इसको हम लिखेंगे सम ऑफ द एरियाज सम ऑफ द एरियाज ऑफ दी गिवन सर्कल सर्कल ठीक है। और अब डायरेक्ट आप फॉर्मूले लिख सकते हैं। तो जो पहला फॉर्मूला है हमारे पास वो होगा, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल के लिए ये बन जाएगा पाई और कैपिटल आर स्क्वायर। और जो सम है दो गिवन सर्कल्स के उसके लिए हो जाएगा ये पाई, एक की रेडियस 8 है तो इसको हम 8 का स्क्वायर कर देते हैं प्लस पाई, दूसरी की रेडियस 6 है तो इसको 6 का स्क्वायर कर देते हैं, फिर पाई कॉमन ले लेते हैं। पाई कॉमन लेने के बाद 8 स्क्वायर 8 8 64 प्लस 6 स्क्वायर 36, ये पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 64 और 3600 जो कि 10 के स्क्वायर के बराबर होगा ठीक है। इम्प्लाइज आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये तो हो गया है ना आसान क्वेश्चन, तो इतनी आसानी से क्वेश्चन किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में है फिगर 12.3। तो ये जो फिगर हमें दे रखी है इसी के बेसिस पे हमें फाइंड करना। फिगर 12.3 डिपिक्ट्स एन आर्चरी टारगेट मार्क्ड विद इट्स 5 स्कोरिंग रीजन्स फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड्स एज गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक एंड व्हाइट। द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द अदर बैंड्स इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन्स। ओके, तो एरिया ही निकालना है बेसिकली। बस आपको बस ये याद रखना पड़ेगा कि जब आप गोल्ड का एरिया निकालेंगे ठीक है, जब आप गोल्ड रीजन का एरिया निकालेंगे तो आपका फॉर्मूला होगा पाई आर जी, जी यानी गोल्ड पाई आर जी स्क्वायर, और बाकी जो है जैसे कि ब्लू है ब्लैक है और व्हाइट है तो इसके जो एरियाज होंगे वो आपने गिवन
जो, क्योंकि ये एक रिंग है, रेड जो है वो एक रिंग है। तो रिंग का एरिया निकालने के लिए आपको पूरा रेड वाला, मतलब आप इसको इस तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। जैसे तो मान लो एक ये सर्कल है हमारे पास और एक ये सर्कल है, ठीक है। और अगर हमें इसके बीच का एरिया निकालना, मतलब रिंग का एरिया निकालना, तो रिंग का एरिया निकालने के लिए आपको छोटे सर्कल का जो एरिया होगा और बड़े सर्कल का जो एरिया होगा उसका जो डिफरेंस होगा, डेट टू बी द एरिया ऑफ दिस रिंग, जो रिंग है उसका एरिया आप निकालेंगे, बड़े सर्कल का एरिया माइनस छोटे सर्कल का एरिया। तो ये बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होने वाला है क्योंकि कई सारी चीजें पूछी हैं और सेपरेटली सेपरेटली निकालनी पड़ेंगी सारी। तो सबसे पहले गोल से शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहले लेट कर लेते हैं। तो लेट में आप लिखेंगे, देखिए लेट आर जी कॉमा गोल्ड, गोल्ड के बाद रेड, तो आर आर कॉमा ब्लू आर बी कॉमा आर ब्लैक, यानी कि आर बी और टू और आर वाइट, यानी कि आर डब्ल्यू, ठीक है। बी द रेडियस। अच्छा यहाँ एक और दिक्कत आएगी, ऐसे हम लेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो ये जो रीजन्स हैं इसमें सिर्फ गोल्ड ही एक सर्कल है, बाकी तो सर्कल है ही नहीं, बाकी तो रिंग है। ओके तो आप ऐसा करो, सबसे पहले गोल्ड का एरिया निकालते हैं, क्या। तो गोल्ड का एरिया निकालने के लिए वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले लेट करते हैं कि भाई लेट आर जी बी द, या बी द छोड़ो उसको क्योंकि दे ही रखी है रेडियस में, तो आर जी इज इक्वल टू आर जी बी 10.5, ठीक है। क्योंकि जो 21 सेंटीमीटर है दैट इज द डायमीटर, द डायमीटर ऑफ द रीजन, देखो ये लिखा हुआ है यहाँ से, द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर डायमीटर 21 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 10.5, हाफ करके निकाल लेंगे। तो इसका एरिया जब आप निकालेंगे तो एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, गोल्ड रीजन, ठीक है। पाई और आर जी स्क्वायर, पाई कितना है 22/7, आर जी कितना है 10.5। अब क्योंकि स्क्वायर है तो इसलिए दो बार लिख देते हैं, ठीक है, कट कर देते हैं। 7 × 7 3 × 5 35, ओके। और इसको 15 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखो पार्ट ऑफ कैलकुलेशन है, आप जैसे कर पाए वैसे आप करिए, जरूरी नहीं कि आप मेरी स्टेप्स फॉलो करें, दिस इज अ पार्ट ऑफ कैलकुलेशन। तो जैसे आप अच्छे से एक्यूरेटली और फास्ट कर पाते हैं वैसे करिए। तो मैं 51.5 को 22 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पहले, 15 × 2 = 30 और 15 × 2 = 30 और 3 = 33, एक डेसिमल प्लेस है तो यहाँ आ जाएगा और ये हो गया हमारा 10.5, ठीक है। इसके बाद 10.5 को 33 से मल्टीप्लाई करना, तो ऊपर यहाँ करके देख सकते हैं 10.5
और मल्टीप्लाई बाय 33, तो 3 5 जो 15, 3 1 जो 3, 51 लिख दिया। ओके, 3 5 जो 15 और 3 1 जो 3 1 5 रिपीट हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट जो नंबर है वो भी 3 है, और इसका सम हो जाएगा 5, या नीचे आंसर में लिख देते हैं इसका सम। ठीक है, तो इसका सम आएगा बच्चों 5, तो 5 और 1 6, 3 और 1 4, और 3.1 है, दिस इज आंसर 346.5। तो ये क्या आ गया हमारा आर जी। अब हमें निकालना है रेड रीजन, एरिया ऑफ रेड रीजन के लिए क्या होगा, देखो एरिया ऑफ रेड रीजन, एरिया ऑफ रेड रीजन होगा एरिया ऑफ, या इसको हम लिखेंगे सम ऑफ एरियाज गोल्ड एंड रेड, और इसमें से माइनस करेंगे एरिया ऑफ गोल्ड। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि अगर हमें किसी रिंग का एरिया निकालना होता है, मैं एक बार दोबारा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ध्यान से समझ लो क्या है ये। जैसे मान लीजिए एक बड़ा सा सर्कल है हमारे पास, ठीक है, और एक छोटा सा सर्कल है, ओके, और हमें इस ये जो रिंग है इसका एरिया निकालना है। ठीक है, रिंग आप समझ रहे हैं ना, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये जो बीच में जो पोर्शन है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। नहीं पा रहा है ये जो स्पेस है इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये जो ब्लैक सर्कल्स मैंने बनाया, दिस इज द रिंग। ओके, ये जो मैं ब्लैक से शेड करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझ रहे, इसका एरिया आपको निकालना है। तो जब आपको इसका एरिया निकालना है, तो इसका एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो छोटा सर्कल है रेड वाला उसका एरिया निकालना पड़ेगा पहले तो आपने, और फिर जो बड़े सर्कल का एरिया है वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, और फिर छोटे सर्कल में से बड़ा सर्कल आपको माइनस करना पड़ेगा, समझ आया, तब जाके ये आपका सॉल्व होगा। तो वही वही काम हम कर रहे हैं यहाँ पे, तभी मैंने लिखा है कि एरिया ऑफ गोल्ड एंड रेड का सम, और उसमें से हम माइनस कर रहे हैं एरिया गोल्ड। ओके, तो एरिया ऑफ गोल्ड तो हमारे पास है ही, वो तो अभी हमने निकाला है ये, बट जो दूसरा है वो हमारे पास नहीं है, तो उसके लिए निकालना पड़ेगा। तो निकालने के लिए क्या हमें रेडियस चाहिए, तो रेडियस जैसे कि यहाँ दे रखा है कि जो गोल्ड है, जो गोल्ड रीजन है हमारा, उसका डायमीटर है 21, और बाकी जो नेक्स्ट जो बैंड है वो 10.5 मीटर वाइड है, तो गोल्ड के रीजन की जो रेडियस है वो 10.5 है, और इसमें हम 10.5 और ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा पूरा 21। ठीक है, तो सम ऑफ एरियाज गोल्ड एंड रेड के लिए जो दोनों सर्कल का हम एरिया निकालने की कोशिश करेंगे, तो उसके लिए जो रेडियस हम लेंगे वो 21 लेंगे। तो इस तरीके से ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर का मतलब पाई 22/7, और आर स्क्वायर क्या है यहाँ पे 21, तो ये हो जाएगा 21 मल्टीप्लाई बाय 21, और इसमें से माइनस कर देंगे हम 3 4 6.5, ये हो जाएगा 7 1 7 और 7 3 21, 3 को 22 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई कहाँ करें, यहाँ नीचे कर देते हैं, तो 3 को 22 से करोगे तो 66 आ जाएगा, ऑब्वियस की बात है,
और ये 66 फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा 21 के साथ, ये हो जाएगा 6 1 6 और 6 2 12, 1 2 और 6, इसको प्लस करके लिखेंगे तो प्लस करके ये आ जाएगा 6 8 3 और 1। तो ये जो 1386 आया है, दिस इज द कंबाइंड एरिया ऑफ गोल्ड एंड रेड रीजन, और इसमें से हम गोल्ड वाला रीजन माइनस कर देंगे 3 4 6.5। जब हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.5, तो आएगा ही आएगा, यहाँ पॉइंट लगा के जीरो लगाना पड़ेगा। ओके तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 आ जाएगा, यहाँ रह जाएगा 5, और 15 में से 6 माइनस करोगे तो 9 आ जाएगा, यहाँ रह गया 7, तो 7 में से 4 गया तो 3 आ जाएगा। ओके यहाँ है 3, 3 में से 3 गया तो 0 आ जाएगा, और 1 एक्स्ट्रा है तो ये 1 यहाँ आ जाएगा, तो 1309.5। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द एरिया ऑफ रेड रीजन। ठीक है, अब आगे देखते हैं, रेड के बाद कौन सा है, रेड के बाद है देखो, तो ब्लू वाले में हमें एक चीज की रिक्वायरमेंट होगी, वो चीज क्या है, वो है ये वाली फिगर 1386, क्योंकि जब हम ब्लू का निकालेंगे तो ब्लू वाले एरिया को निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें तीनों रीजन का एरिया चाहिए, गोल्ड रेड और उसमें से फिर हम गोल्ड और रेड वाला माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये फिगर हमारे लिए काम की है 1386, तो इसको हम लिखते हैं, बाकी सबको रफ कर देते हैं, तो 1386 सिर्फ लिख लेते हैं यहाँ 1386, और बाकी जो है वो हमारे काम की नहीं है तो उसको सबको रफ कर देते हैं। ठीक है, तो ओनली 1386 हमारे काम की थी तो वो हम लिख लेते हैं 1386, और जिनको समझ में नहीं आया उनको मैं एक बार दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। हम बात कर रहे थे कि भाई ब्लू का कैसे निकालोगे आप एरिया, तो ब्लू का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले आपको एक मतलब पूरा सर्कल निकालना पड़ेगा, पूरा सर्कल का मेरा मतलब है कि जिसमें ब्लू भी हो, ब्लैक रेड भी हो और गोल्ड भी हो, यानी कि पूरा बड़ा सर्कल, इसमें गोल्ड भी हो, गोल्ड रीजन भी आएगा और रेड भी आएगा और ब्लू भी आएगा। ठीक है, और उसमें से हम माइनस कर देंगे क्या, ये रेड और गोल्ड, समझ आए। चलो चलें फिर करते, तो अब सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे पहले रेडियस चाहिए, तो अगर ये तीनों रीजन का एरिया निकालना है आपको तो रेडियस जो हो जाएगी वो हो जाएगी 10.5 गोल्ड की रेडियस, फिर उसमें 10.5 ऐड किया रेड के लिए, फिर 10.5 ऐड किया ब्लू के लिए, तो रेडियस कितनी हो जाएगी इस केस में, इस केस में रेडियस हो जाएगी आपकी 21 प्लस 10.5, यानी कि 31.5। तो एरिया कैसे निकालेंगे, तो जो स्टेटमेंट्स हैं वो तो सेम ही रहने वाली हैं जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में दिया था, और बस एरिया मतलब कैलकुलेशन डिफरेंट हो, क्योंकि रेडियस चेंज हो जाएगी और रेडियस चेंज होने के बाद कैलकुलेशन डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप ट्राई करेंगे और आई होप कि आप कर पाएंगे। इसी तरीके से जब आप ब्लैक का निकालेंगे, ब्लैक का रीजन निकालने के लिए आपको ब्लैक ब्लू रेड गोल्ड इनका सबका कंबाइंड एरिया निकालना पड़ेगा, जिसके लिए रेडियस हो जाएगी आपकी 10.5 10.5 10.5 10.5, यानी कि 42, और उस 42 में से जो गोल्ड रेड और ब्लू को पहले ही एरिया निकाल चुके हो वो माइनस कर देना।
और इसी तरीके से व्हाइट का भी अलग ले सकते हैं। ठीक है, तो यू विल ट्राई दिस क्वेश्चन, क्योंकि मैथ्स जो है वो देखने का सब्जेक्ट नहीं है, मैथ्स करने का सब्जेक्ट है। करो, और जो रीजन नहीं कर पाते हो या जिसका आंसर गलत आता है मुझे बताओ, मैं आपको उस पर्टिकुलर रीजन का पूरा सॉल्व करके बता दूंगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। लिखा है द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर, हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो व्हील है वो एक चक्कर में यानी इन वन रेवोल्यूशन इट विल कवर द डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस इक्वल टू इट्स सर्कमफेरेंस। ठीक है, तो एक रेवोल्यूशन में ये अपने सर्कमफेरेंस के बराबर डिस्टेंस कवर करेगा। तो सबसे पहले हमें डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी कि भाई आखिर कितनी डिस्टेंस ये जो व्हील है वो कवर कर रहा है। उसके लिए हमारे पास देखो डिस्टेंस स्पीड दे रखी है और टाइम दे रखी है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, मल्टीप्लाई बाय टाइम, दिस इज द सिंपल फॉर्मूला। अब यहाँ स्पीड जो दे रखी है वो है किलोमीटर पर आवर में, जबकि टाइम जो दे रखा है वो मिनट में दे रखा है, और जो डायमीटर हमें दे रखी है वो सेंटीमीटर में दे रखी है। तो ऐसा करते हैं कि 10 मिनट को पहले आर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अगर हम 10 मिनट को आर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? स्पीड हमारी 66 किलोमीटर पर आ, टाइम को हमने आर में कन्वर्ट किया तो 10/60 करके कर सकते हैं, 0 से 0 कट कर देते हैं, 6 1 जा और 6 1 जा और 6 1 जा, यानी कि आ गया 11 किलोमीटर। और 11 किलोमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे 11 into 1000 into मीटर हो गया ये, और इसको फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेंटीमीटर। ठीक है, पहले 1000 से मल्टीप्लाई किया मीटर हुआ, फिर 100 से मल्टीप्लाई किया सेंटीमीटर हुआ, तो ये आ गई हमारी डिस्टेंस सेंटीमीटर। ओके, अब सर्कमफ्रेंस निकालते हैं। तो सर्कमफ्रेंस होगी, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है? तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है देखो, सर्कमफ्रेंस इक्वल टू होता है 2 पाई आर, 2 और पाई, पाई तो कैसे लिखेंगे हम, तो पाई के लिए स्पेस छोड़ देते हैं, हाँ लिख देते हैं पाई मैनुअली लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 2 पाई आर, पाई। ओके, तो देखो 2 पाई हो गया 22/7 और आर हो जाएगा यहाँ 40, तो ऑब्वियस सी बात है ये कैंसिल होगा नहीं और हमें अभी करने की जरूरत भी नहीं है, हमें निकालने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन होंगे, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस ये निकालने ना, तो ये होगा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितनी है हमारी 11 into 1000 into 100 और डिवाइडेड बाय 2 into 22/7, वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 40, तो 0 से 0 कट कर देते हैं, 11 2 जा 22 कर देते हैं, 2 2 जा 4 और 4 से कट करोगे तो ये आ जाएगा 25।
इस 4 से इसको कट करोगे तो ये भी 25 आ जाएगा। 25 25 25 और मल्टीप्लाई करें 7, ठीक है? तो 7 से मल्टीप्लाई करना, आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर्फ टिक करना है। क्या टिक करना है? टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस। इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन रेडियस ऑफ द सर्कल इज। तो वो कह रहा है पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंस इक्वल है, तो ये केस क्या है? ये केस ये है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि एरिया एरिया यानी कि पाई आर स्क्वायर। तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई आर, ये है मतलब इसका। अब इस हिसाब से पाई कैंसिल कर देते हैं, ठीक है? आर स्क्वायर का मतलब होता है आर मल्टीप्लाई बाई आर इज इक्वल टू 2 आर, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा 2 आर डिवाइडेड बाई आर, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो आर इज इक्वल टू कितना आ गया? तो है ये इज द करेक्ट आंसर। समझ आया? ओके, तो ये एक्सरसाइज आपकी ओवर हो गई। इस एक्सरसाइज को एक बार ट्राई करो अच्छे से, वहां देखो कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं और कितने क्वेश्चंस के आंसर्स मैच कर रहे हैं, ठीक है? तो ये सब आपने करना है और उसके बाद चेक करना है, और हम बहुत जल्दी फिर इसकी सेकेंड एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेंगे। फाइन, जब तक अच्छे से प्रैक्टिस करो और देखो कि आंसर्स जो आपके आ रहे हैं वो मैच कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है? और अगर नहीं कर रहे तो फिर मुझे बताना, मैं उसको और डिटेल में सॉल्यूशन दूंगा। ओके, टिल देन प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। थैंक यू।